तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग को आप बाकायदगी से देख रहे होंगे, जो कि मुझे पता भी चल रहा है दोस्तों के हमारे सब सब्सक्राइबर हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों आज क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों की फरमाइश पे हमने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मा मुर्गी को आज अंडों पर बिठाई लिया जाए। तो दोस्तों पहले के हमारा पहले तो थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन खैर है वो नसीब ने हमारे लिखा था कि हमारे चंद कबूतर जो कि बिल्ली ने अटैक करके वो ले गया था बिल्ला। दोस्तों आज इंशाल्लाह अपनी दोस्तों की फरमाइश पे मैंने सोचा कि ब्रह्मा मुर्गी को हम बिठा ही लेते हैं। तो अभी हम दोस्तों वही सेटअप पे आए थे और मैंने सोचा कि यहाँ से क्रेट उठाऊं, क्योंकि हम एक क्रेट में उसको बिठाएंगे। तो क्योंकि पहले हमने ज़मीन पे तजर्बा कर लिया, बैंडम मुर्गियाँ बिठाई थी दोस्तों, तो रिज़ल्ट हमें नहीं मिला, तो हम ब्रह्मा के नीचे क्रेट में दोस्तों उसको बिठाएंगे। तो इंशाल्लाह आज इसको उम्मीद है कि हम अच्छे दिन से शुरुआत करते हैं और बैठा लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैं क्रेट दिखाता हूँ, और दोस्तों ये क्रेट आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरी नज़र में दोस्तों ये वाला क्रेट है जो कि आपको नज़र आ रहा है। इस क्रेट में अगर बिठाया जाए, क्योंकि मैं इसमें बिठा रहा हूँ, इसमें ब्रह्मा बड़ी मुर्गी है पूरी भी आ जाएगी दोस्तों। तो इंशाल्लाह हम अब ब्रह्मा को, तो ये इसको नीचे लेके जाते हैं ब्रह्मा के सेटअप पे इस क्रेट को, और ब्रह्मा को इंशाल्लाह हम तकरीबन 11 अंडे दे के हम, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है दोस्तों, तो 11 एक देते हैं उसको, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो जाएगा दोस्तों इस तरह हमारा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, ज़्यादा अंडे दिए तो वो ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए हम 11 अंडों से उसका एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह अगर हमें इसने अच्छा रिज़ल्ट देती है तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम इंशाल्लाह दोबारा इसको बैठाएँगे एग्स पे। तो दोस्तों अभी अभी मैंने देखा कि ब्लैक टेल जी अपनी काफ़ी दिनों से दोस्तों अंडा नहीं दे रही थी, तो उसने भी अभी अंडा दिया हुआ। तो वही मैंने आपको बोला था कि पहले गमी आती है, उसके बाद खुशी भी आती है दोस्तों। तो अब हमारे सेटअप पे खुशियाँ आ रही है, आज हमारा सेटअप भी साफ़ सुथरा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी हम इसका दोस्तों एग भी उठाएंगे जो कि ब्लैक टेल जैपनीज़ ने दिया हुआ है। ये दोस्तों ट्रायो सेट है, लेकिन एक ही फीमेल एग दे रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह इसने अभी अभी दोस्तों अंडा दिया है, अंडा इसका होता भी दोस्तों बहुत छोटा है, देखें आप कितना स्मॉल अंडा है इसका। मुझे असल में दोस्तों ये अंडे उठाते हुए बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जो जो मुर्गियों के शौकीन होते हैं उन्हें यही होता है कि कब केज में अंडा आएगा और कब मैं बाकी उठाऊंगा। तो हमारी नज़र होती है, हम हर आधे घंटे बाद आके देखते हैं दोस्तों कि अंडा है कि नहीं, अंडा है कि नहीं, फिर अचानक जब अंडा देखते हैं तो बस दिल बाग बाग हो जाता है दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों हम नीचे क्रेट लेके और ब्रह्मा के सेटअप पर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलें जहाँ पर हमारा ब्रह्मा का सेटअप है, तो हम ब्रह्मा का इस टाइम पे हमने देखा है मुर्गी तो कड़ुक हुई बैठी है, साथ दूसरी मुर्गी भी आके अंडा दे रही है जो कि सलमन की फ़ीमेल है। तो दोस्तों हमने ये इस टाइप का क्रेट इसका तैयार कर लिया, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सा हमने घास रखा है, नीचे ये बुरा सा डाला है ताकि ये घास भी ऐसे फैल जाए, तो बस हम इधर अंडे रखेंगे दोस्तों। ये है हमारे अंडे दोस्तों, ये हम 11 अंडे तकरीबन इसके नीचे रख रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 11 अंडे दोस्तों हम इसके नीचे रखेंगे। तो देखते हैं फिर दोस्तों हमें ये रिज़ल्ट क्या देती है। तो हम अंदर से दोस्तों दूसरी मुर्गी को पकड़ के ज़रा बाहर छोड़ते हैं, तो फिलहाल इसके नीचे एग्स रखते हैं, खैर है वो बाद में अंडा दे दो। तो दोस्तों हम उस मुर्गी को बाहर निकालते हैं, तो अरे दोस्तों क्योंकि अंदर बैठी हुई है, मैं अंदर जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये दोनों फीमेल साथ ही बैठी हुई हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये वो वाइट वाली जो है तो वो कड़ोक है, ये दूसरी इसके पास बैठी हुई है दोस्तों, ये अंडा देने पर आई हुई है अभी, इसको हम बाहर निकालते हैं। बल्कि दोस्तों इसने दिया हुआ है, ये मैंने एग दोस्तों उठा लिया है जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला एग हम बाहर रखते हैं क्योंकि हमने उसके ऊपर नंबरिंग कर दी है दोस्तों। तो ये मैं बाहर रखता हूँ, तो इस फीमेल को भी बाहर निकालता हूँ। तो इस एग को हम साइड पे रखते हैं दोस्तों, तो अब हम फीमेल को बाहर निकालेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको मैं एग को साइड पर रख लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक टेल वाला भी हमने साइड पर रखा हुआ है। तो दोस्तों अब ये मेल भी देखें आप, मेल अभी बाहर गया हुआ था, मेल भी आ चुका है पास ही। तो हम दोस्तों फीमेल को बाहर निकालते हैं और फिर क्रेट अंदर जाके रखते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देख सकते हैं, ये मैं अब अंडे क्रेट में रख के दोस्तों अंदर इसको देता हूँ। हम क्रेट में दोस्तों अंडे रख रहे हैं ताकि डायरेक्ट हम क्रेट अंदर रखते हैं और ये फौरन बैठ जाए दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम रखते हैं दोस्तों सारे अंडे इंशाल्लाह दोस्तों। इससे तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे दोस्तों की फरमाइश पर भी दोस्तों मैं रख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे पास इंक्यूबेटर भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे दोस्त भाई हैं उन्होंने बोला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम इसको फर्स्ट टाइम बिठाते हैं दोस्तों। तो देखें अभी ये हमें क्या रिज़ल्ट दे रही है। जी दोस्तों हमने ये अंडे रख दिए हैं, 11 अंडे दोस्तों रखे हैं। तो अब हम इस क्रेट को उठाते हैं और अंदर चलते हैं, और इसको क्रेट को पहले हम सेटिंग करते हैं दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मुर्गी को हम अंदर बिठा लेंगे। अब मैं अंदर आ चुका हूँ दोस्तों, और जिधर ये दोस्तों एग देती है हम इसको उधर ही बिठाते हैं,
जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इधर मैंने इसको सेट करके दे दिया है दोस्तों, ये इंशाल्लाह इधर बैठ जाएगी। अगर दोस्तों ये अल्लाह ना करे ना बैठी तो फिर हम इसको ज़मीन पे ही दोस्तों हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये नेचुरल तरीके से ये बैठेगी तो फिर हम वैसे ही करेंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों मुर्गी को उठाते हैं और अंदर लेके इसको ज़रा दीदार करवा लेते हैं, क्योंकि ये फुल क्रॉप है, काटती नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं काटती, आई थिंक बाकी को तो काटेगी। हमने इसको दोस्तों अंदर लेके छोड़ा। बल्कि मैं इधर रखता हूँ दोस्तों करीब, ताकि ये एग्स को देखे, और बल्कि मैं इधर बैठा लेता हूँ इसको, क्योंकि इसकी जान बड़ी है दोस्तों। हम थोड़ा सा यहाँ पे क्रेट आगे कर लेते हैं, इंशाल्लाह ये अभी बैठ जाएगी दोस्तों, क्योंकि अभी इसे अजीब लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे क्रेट दिया इसे, तो इंशाल्लाह ये दोस्तों बैठेगी। तो हम आपको दोबारा दोस्तों मैं इसको बताता हूँ आपको, कुछ सेकंड कुछ मिनट हम इसको छोड़ते हैं, ये बैठ के हम दोबारा आपको दिखाते हैं दोस्तों। मैंने टोटल 10 मिनट दिए और 10 मिनट तक मैं 10 मिनट बाद अब आया हूँ, और मैं इसको अंदर देखता हूँ कि ये बैठी कि नहीं बैठी। उम्मीद तो है दोस्तों कि बैठ की होगी। आप आए दोस्तों, माशाल्लाह बिल्कुल दोस्तों अपने लेवल में बैठ की है, जिस तरह हमें हम चाहते थे दोस्तों, ये वैसे ही बैठ चुकी है। तो इंशाल्लाह दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अपना रिज़ल्ट देगी दोस्तों हमें, हम खुशी से इसको बैठा रहे हैं, इंशाल्लाह ये हमें रिज़ल्ट देगी। हम सेटिंग कर लेते हैं, माशाल्लाह बैठ चुकी है दोस्तों, अब हम इसे तंग नहीं करते हैं, हम बाहर निकलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आज हमने ब्रामा मुर्गी भी बैठा ली है, क्योंकि मैं थोड़ा आहिस्ता तब बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी मुर्गी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो खैर हम इसका डोर भी फिलहाल बंद कर देते हैं। दोस्तों ये हमारे जो सब्सक्राइबर दोस्तों की बेहद फरमाइश पे मैंने ब्रामा मुर्गी बैठा ली दोस्तों, तो हमारे सेटअप पे अब खुशी ही खुशी आएंगे इंशाल्लाह, इसके भी चिक्स निकलेंगे। तो इंशाल्लाह जो दोस्तों अच्छे अच्छे हम फैंसी पिजन्स भी लाएंगे, जो कि हमारे सेटअप पे पहले आपको पता है पिजन्स का काफ़ी नुकसान हुआ, तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे और फैंसी पिजन्स लाएंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों जो दोस्त मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों दुआ में मुझे याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफिज़।